वेद में कहा गया तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव का क्या अर्थ है? शिव शुभता, शिव मंगल, और यहां तक कि वृक्षों को भी शिव कहा जाता है, वृक्ष को शंकर कहा जाता है। किसी ने प्रश्न किया कि वृक्ष को शंकर क्यों कहते हैं, आप बताओ क्यों कहते हैं? भोलेनाथ को क्या चढ़ाया जाता है? एक लोटा जल। और वृक्ष को क्या चढ़ाया जाता है? जल। भोलेनाथ ने क्या पी लिया? विष। रामकंठ में तो विश्राम, लेकिन पिया विष। ऐसे ही ये वृक्ष प्रदूषण को पीते हैं, नाना प्रकार की गंदगी इनके ऊपर आरूढ़ हो जाती है, लेकिन ये कभी शिकवा शिकायत नहीं करते। ये आपको जब भी देंगे तो या तो छांव देंगे, या तो फल देंगे, या तो लकड़ी देंगे, जिससे आपके कार्य हो सके। और हम शंकर के शमशान में ही जाकर भस्म होते हैं। शंकर भगवान उसी भस्म को लगाते हैं, आपकी राख को शंकर भगवान स्वयं लगाते हैं, और उसमें भी वृक्ष है। बोलो जय राधे। क्योंकि आपको जब भस्म किया जाएगा, जब जलाया जाएगा, तो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वृक्ष को शंकर कहा गया है। शिव शुभता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो। मेरा मन शुभ सोचे, और जैसा सोचेंगे वैसे बनते चले जाएंगे। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। कभी गहराई से अवलोकन करें, जो विचार आपके मन में उठते हैं वो सब कुछ आप में घटित होता है। जैसा विचार होगा वैसे आप बनते चले जाओगे। इसलिए मन को संभालना है।